अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैर फारिया यासीन बुखारी, पाकिस्तान पॉजिटिव वीक की चेयरपर्सन, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ जैसी, आपसे इस वक्त डायरेक्ट लाइव बात कर रही हूँ, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपनी अपने पाकिस्तानी फैमिली से, अपनी कौम से। आज मैंने बात करनी है एक ऐसे गुंडे के बारे में कि जिसने हमारे मुल्क में कदम रख दिया है 27 साल के बाद, और जिसको पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लानतान हुई है, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट चेंज के जैसे एक बहुत बड़े इश्यू को छुपाया था। ये 1981 से 1981 से ये लोग जब फ्रैकिंग कर रहे थे और फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे थे, तो इनको पता चल गया था कि उससे जो एरिया है उसमें क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हो रहे हैं, और हमारी जो जमीन है, दुनिया की जमीन जो है और उसका जो क्लाइमेट जो है वो खराब हो रहा है। लेकिन उन्होंने इसको कवर अप किया और लोगों को रिश्वतें खिलाई इस चीज को छुपाने के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक्सॉन मोबिल जो है ये रॉकफेलर की ओन्ड है। रॉकफेलर बदनाम जमाना तरीन, दुनिया की बदनाम जमाना तरीन, सबसे ज्यादा बदनाम तरीन कंपनी है। इल्यूमिनाटी के चमचे हैं, रॉथस्चाइल्ड्स के चमचे हैं, और ये टेक्सास में होती है, ये कंपनी अमेरिकन है। और ये स्टोरी बहुत मशकूक सी है कि जी पाकिस्तान की ऑफशोर ईरान के पास ऑयल निकल आया, ठीक है, ये आपको पता ही, पिछली हुकूमत में शुरू हुआ था ये सब कुछ। देखिए जी, एक ऐसी कंपनी के जिसको पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं थी, वो कैसे पाकिस्तान की एरिया में, रीजन में ड्रिल करके या फिर एक्सप्लोर करके ऑयल डिस्कवर कर सकती है और उसका ऐलान कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय फर्स्ट क्वेश्चन कि आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले, बल्कि ज्यादा, आई वुड से लेस देन अ ईयर, लेकिन ज्यादा, जब भी हमारी इंटरिम हुकूमत बनी थी तब ये न्यूज आई थी कि एक्सॉन मोबिल ने पाकिस्तान की ऑफशोर एरिया में कराची के पास और ईरान के करीब कुछ ऐसा स्टोरी इन्होंने सुनाई है, ईरान के करीब, बल्कि उन्होंने कहा कि ईरान के पास जो हमारा बॉर्डर लगता है वहां पे ऑयल डिस्कवर हो गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ी न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस रिलीज हुई थी, और हमारे जो उस वक्त के हमारे सारी जो इंटरिम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने उसको प्रिजाइड भी किया था, कंफर्म भी किया था कि पाकिस्तान में ऑयल मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हुए हैं। लेकिन जब मैंने अपनी रिसर्च की तो पता चला कि एक्सॉन मोबिल तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, 27 साल से यहाँ आई नहीं है। तो एक ऐसी कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ये है कि एक ऐसी कंपनी के जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है पाकिस्तान में काम करने का, वो कैसे कैसे पाकिस्तान में ऑफशोर ड्रिलिंग कर सकती है या कैसे एक्सप्लोर कर सकती है पाकिस्तान के मरीन वाटर्स में, वो कैसे आग के काम कर सकती है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। कैन यू आंसर माय क्वेश्चन, नंबर 1। नंबर 2 कि ओके, सो दे डिस्कवर्ड द ऑयल, ठीक है, एंड व्हाट्स नेक्स्ट? दे सेइंग दैट दे फाउंड ऑयल इन आवर एरिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कि हमारे पास ऑयल है यहाँ पर, और अब वो यहाँ पर आना चाहते हैं 27 साल के बाद, अपने कदम जमाना चाहते हैं, और वो खुद ऑफशोर कराची के साहिल से शुरू करेंगे और यहाँ पे ऑयल ढूंढना शुरू करेंगे। और अब ये दैट इज गोना बी अ बिग प्रॉब्लम, रॉकफेलर्स जो है ना वो बहुत खतरनाक लोग हैं। पहली बात तो ये है कि एनवायरनमेंट की इनको कोई परवाह नहीं होती, ये भी बुगी मैन है, दे आर लाइक बुगी मैन ऑल्सो। ये एक, अगर आपको मैं कह दूं कि ये बदमाश लोग नहीं होते हैं, जो कि कॉर्पोरेट बदमाश होते हैं, दैट इज व्हाट एक्सॉन मोबिल इज, इट्स अ कॉर्पोरेट बदमाश। तो इन्होंने यहाँ पे अगर ऑयल स्पिल हो गई ड्रिलिंग में, फ्रैकिंग में, आपका जो समंदर है वो कंटामिनेट हो गया, आपकी सी लाइफ जो है वो तबाह हो गई, तो इन्होंने तो भाग जाना है। लेकिन हमारा समुंदर जिससे हमने डिसैलिनेशन करके अपने वाटर जो डिप्रिवेशन है उसको रिप्लेनिश करना था,
वो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हो जाएगा, हम उसके उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे अगर वो इतना कंटामिनेट हो गया। हमारी फिशरीज और हमारे जो मछेरे जो हैं वो इतना डिपेंडेंट हैं समंदर की मछली पर, अगर वो मछली सारी की सारी तबाह हो गई तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी फिशरीज की, सी फूड की, और हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासिर होगी, और लोकली हमारा बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हमें शॉक मिलेगा कि जब इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जब मछली ही मरना शुरू हो जाएगी और मछली ही पॉइजन हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि अथॉरिटी सोचे इससे पहले कि इस गुंडे को इजाजत दें कि आओ आके हमारे पानी को एक्सप्लोर करो। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा माशाल्लाह से अल्लाह ने कुदरती बहुत ज्यादा हमें चीजों से वसाइल से नवाजा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स का जो असूल रहा है वो यही रहा है कि इन कुदरती वसाइल का फायदा जो है वो हमें ना हो और सिर्फ बाहर की कंपनीज को हो। जहां भी ऑयल डिस्कवर होता है उसका फायदा जो है वो हमें नहीं होता, एलएनजी डिस्कवर होती है उसका फायदा हमें नहीं होता, इन कंपनीज को होता है, बाहर के मुल्कों को होता है, इवन हमारा जो पानी है, पानी के जो जखायर हैं उनका भी फायदा हमें नहीं हो रहा, वो भी हमें ही इतनी ज्यादा हाई प्राइस पे बेचे जा रहे हैं। नेस्ले जो है वो भी यहाँ पे गुंडागर्दी कर रही है, और ये बात जानते बूझते भी अभी तक कोई टैंजिबल एक्शन नहीं लिया गया नेस्ले के खिलाफ। तो मसला ये है कि एक दफा जब आप बदमाश को घर में दाखिल होने की इजाजत दे दो और वो बदमाशी करना शुरू कर दे, और जब उसकी बदमाशी खुल जाए तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो इस वक्त हमारा करंट जस्टिस सिस्टम है। तो मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि अगर कोई शक है, अव्वल तो मैं इनकी बात किसी बात पे यकीन नहीं कर सकती, दुनिया की झूठी तरीन कंपनी जो है ना वो एग्जॉन मोबिल है, आई हैव नो आइडिया एंड दे हैव क्लोज लिंक्स विद डारपा। एक बात मैं आपको बता दूं, रॉकफेलर जो है दे ओन द शैडो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर वन पॉइंट आई विल रिपीट एंड दिस इज फॉर माय फॉर द आर्मी ऑफिशियल्स के रॉकफेलर्स हैव क्लोज टाइज विद द शैडो गवर्नमेंट ऑफ द यूएस एंड दे ओन एक्सॉन मोबिल। तो इसलिए आपने उनको इजाजत दे दी है कि हमारा समंदर एक्सप्लोर करें, बट दैट कुड बी वेरी वेरी डेंजरस। अगर ऑयल तो ये हो सकता है कि इन्होंने कोई गिमिक दे दिया हो यहाँ पे आने के लिए, हो सकता है कि इन्होंने छोड़ी हो कि इनको इजाजत मिल जाए कि यहाँ पर आए हमारे पानी का सत्यानाश करें, हमारी इन्वायरमेंट का सत्यानाश करें। हमें क्या पता, सब अपनी वहां पे सबमरीन्स बिठा दें, आप क्या करोगे, अपनी मिलिट्री बेस बढ़ा दे, हमें क्या पता चलेगा, आप सोचते रह जाओगे। तो इसलिए कुछ सोच समझ के किया करें काम। और दूसरी चीज ये है कि अपना अगर चले ऑयल है भी ठीक है, तो वो पाकिस्तानी कंपनी और पाकिस्तानी इंजीनियर्स को ड्रिल करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, और जो भी एनवायरमेंटल गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके करना चाहिए। और इतनी ऑयल रिफाइनरीज वाले हैं और इतने पेट्रोलियम वाले हमारे यहाँ पे जबरदस्त किस्म के इंजीनियर्स हैं, मेरे अपने मतलब फैमिली में मैं जानती हूँ इतने लोगों को जो कि जो माशाल्लाह से कर रहे हैं ये काम, जो कि पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, जो कि यहाँ पे लोकली काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको एनरोल करें। मैं अपनी फैमिली का नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तानी ओन्ड, कि पाकिस्तानी बंदा हो और पाकिस्तानी ओन्ड कंपनी हो कि जो ड्रिलिंग के ये काम करे। और माशाल्लाह से अब तो दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वी हैव वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इंजीनियर्स जो है वो गल्फ में जाकर पेट्रोलियम और ये एलएनजी जो है वो ड्रिल करते हैं। फिर उनमें से दो तीन को बुला लें आप, जो टॉप के इंजीनियर्स हैं गल्फ के उनको बुला लो, उनको कहो यहाँ आके ये काम करें। डोंट गिव अवे योर रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन कंपनी, स्पेशली ये जो गुंडागर्दी वाली बदमाश कंपनीज हैं, इनको इतना लेवरेज नहीं दें। अभी मैंने देखा है कि वो और मुझे ये समझ नहीं आती कि आपके जहन में ये पता नहीं क्या
एक कॉम्प्लेक्स है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ऐसी कंपनीज की, हमें अच्छी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन ये जो वो वाली होती है, ये आपने वो क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेते हो ना, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, मेरी बात सुने आप, ये जो एग्जॉन मोबिल है ना, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर है, इसको प्लीज काइंडली इतनी प्रिविलेज मत दें। देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन्होंने झूठ बोला, आई डोंट नो कि इन्होंने क्या एविडेंस प्रोड्यूस किया है ऑफिशियल्स के सामने टू प्रूव कि हमारे ऑयल निकला है। और अगर लेट्स से कि निकला भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आए कैसे, इन्हें पता कैसे चला, इनकी जरूरत कैसे हुई कि इन्होंने हमारे एरिया में डिस्कवर करने की कोशिश की विदाउट एनी लाइसेंस, नंबर वन। नंबर टू, अच्छा जी अगर ये सच बोल भी रहे हैं तो वाई आरंट वी गोइंग टू आर ओन कंपनीज जो कि यहाँ पे सालों साल से काम कर रही हैं और जगह जगह ऑयल ड्रिल कर रही हैं और रिजल्ट्स दे रही हैं और जिनके ऊपर हमारा भरोसा है। अब ये डार्पा कनेक्टेड, रॉकफेलर ओन्ड, शैडोई गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी को उठाकर आप लाइसेंस दे दोगे अपने समुद्रों को एक्सप्लोर करने का, तो कल को यू दे कुड कन्वर्ट योर ओन शोर्स इनटू अ मिलिट्री बेस दैट वी वर्क अगेंस्ट यू, फिर आप क्या करोगे, देन इट विल बी टू लेट। तो काइंडली इसलिए इस बारे में सोचें, आई एम प्रिटी श्योर, आई एम 100% श्योर कि आपको इनका ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पर, आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनीज होंगी जिनका वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पर, कोशिश करो कि अपने पाकिस्तानी भाइयों से कहो जो कि इतने स्मार्ट हैं पेट्रोलियम ड्रिलिंग में और जिनका इतना एक्सपीरियंस है इतने सालों का, कि वो ये काम करें, और जो कंपनीज यहाँ पे इतने अरसे से काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, हमारे लॉस को वायलेट नहीं कर रही और उनको पाकिस्तान की फिक्र होती है, उनको आप इस्तेमाल करें इस काम के लिए। एक गुंडे बदमाश को इस तरह से बुलाना 27 साल के बाद, आई थिंक दिस इज गोना रियली हर्ट अस, एंड अगेन वी आर शेकिंग आवर हैंड्स विद द डेविल, सो यू कैन इमेजिन कि क्या होगा जब शैतान के साथ आप हाथ मिलाओगे, तो नथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।